दोस्तों पेबल्स में आपका स्वागत है शॉर्ट सेंटेंसेस की श्रृंखला में यह हमारा एट्थ सेक्शन है तो इसमें हम कुछ और वर्ड्स करेंगे कुछ और सेंटेंसेस करेंगे एंड आई विल हेल्प यू ट्राई टू पुट दिस इनटू सेंटेंसेस तो मे भी आपको तब अच्छे से समझ में आएगा ठीक है मैं तुमसे प्यार करती हूँ आई एम सेग करती हूँ बिकॉज आई एम अ फीमेल बट अ मैन विल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ ओके सो अब दिस इज अ फेमिनाइन स्टेटमेंट ओके मैं तुमसे प्यार करती हूँ आई लव यू एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो हाउ टू से दिस इन एनी लैंग्वेज सो दैट कम्युनिकेशन बिकम्स इजी, ओके सो आई लव यू मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फॉर मेल इट बी मैं तुमसे प्यार करता हूं नेक्स्ट जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप कहते हैं आई सी अच्छा आपने जो बोला वे मुझे वो मुझे समझ में आया तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है यू कैन जस्ट से अच्छा अच्छा ऑल्सो मींस ओके आई सी ओके अच्छा सो यू कैन यूज दिस फॉर ओके एज वेल एज आई सी दिस यूज दिस यू वर्ड इज यूज अच्छा इज़ यूज फॉर ओके एंड आई सी नेक्स्ट है डिड यू नोटिस सो मैनी पीपल जब वो खूब सारी बातें करते हैं तो स्टोरीज बनाते हैं बीच में बहुत सारी बातें बोलते हैं जो यूजफुल नहीं होती है बट इट इज जस्ट दै तो जब आप ऐसी बातें करते तो हिंदी में बोलेंगे तुमने ध्यान दिया डिड यू नोटिस ही सेट लाइक दैट डिड यू नोटिस तुमने ध्यान दिया उसने ऐसे बोला

है हु विल बिकम है ओके वेन इट इज इन प्लोरल फॉर्म एक बार फिर करें कैन बी डू इट वन मोर टाइम सो वट यू से टू आई लव यू इन हिंदी मैं तुमसे प्यार करती हूँ हैव यू नोटिस्ड दिस इज करती सो दैट दीन्स अ गर्ल इज से बॉय विल से दिस ही विल से करता ओके okay? करता हूँ एंड सपोजिंग यू हैवट ऑफ रिलटिव इन यूर हाउस एंड दे वॉन्ट टू टेल यू दैट दे लव यू सो दे हम तुमसे प्यार करते हैं हूल बिकम है ओके हम हम तुमसे प्यार करते हैं एंड इफ अ गर्ल इज सिंह करती हूँ इफ अ बॉय सिंह करता हूँ एंड इफ अ

is used in practically every every form of conversation so i see can also be achha. okay can also be acha okay so achcha. i see achha. and you can use acha for okay also did you notice how do you say this in hindi tumne dhyan diya did you pay attention is a literal translation to

now when you say when you have this bh then the pronunciation of the word becomes bh and when there is only b then it is b so there is a difference in hindi this is ba and this is bh so when you say bh then bhook okay so this is, i have written book you can write भूख सो द एयर हैज टू कम आउट फ्रॉम योर माउथ व्हेन व्हेन यू आर स्वेइंग भ एंड व्हेन यू आर स्वेइंग ख द एंड ऑफ इट विल हैव एयर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ दैट मींस मुझे भूख लगी है यू कैन नॉट से मुझे भूख लगी है भूख नहीं लगती किसी को नो बडी फील्स बुक इट इज भूख ओके सो लेट्स रिमूव ऑल दिस मुझे भूख लगी है आई एम हंग्री नउ आई एम गोइंग और आई एम लीविंग इफ यू हैव टू से दैट इन हिंदी देन यू हैव टू से मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग सो जा रहा फॉर अ मैस्कुलाइन मैं जा रही अ गर्ल विल से एंड इफ योअर फ्रेंड्स आर ऑल लीविंग हम जा रहे हैं हूँ विल बिकम हैं जस्ट लाइक ओवर हियर so me ja raha hum i am going that means a boy is going if a girl will go me ja rahi hum and i am going or i am leaving for both the uh, uh, sentences you say the same thing Okay. so you need to go on seeing it 2 3 times for it to register and how you are going to make your pronunciations and all that so pay attention to the alphabets and their pronunciations in hindi many times if you do not pronounce the word properly Two words can have this. Uh, it can sound the same, but it mean different. So that is why your you know, and a, r, e, e have to be very, very clear in your mind. Then only your sentence formation will be correct. Okay.